In this video, we will discuss about the equation of hyperbola, geometry of hyperbola, and we will discuss about the rectangle hyperbola. So first of all, you can see that is the geometry of the conic section, and we can take out a hyperbola, and hyperbola we can find. This is the line, you can see that is the axis of conic section. If we want the hyperbola, so we will cut this hyperbola just with the help of plane, and the plane is the direction of plane is parallel to the direction of this axis of conic section. So देखिए यहाँ से अगर मैं इसको एक कट लगाता हूँ, देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं एक पैरेलल कट लगाता हूँ, देखिए बिल्कुल ये पैरेलल कट दिखेगा आपको. सो यू कैन सी दैट ये पोर्शन जो आपको मिल रहा है यहाँ पे, इसी पोर्शन को अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें, सो यू कैन सी दैट दीज आर द टू कट्स आपको यहाँ दिखाई देंगे. ये एज इट इज टू कट है, दैट इज द सेंटर पॉइंट एंड दिस इज द सेंटर पॉइंट. इस प्रकार से हमको अब हमें करना क्या है, ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं इसको हम देखिए हाइपरबोला में कैसे कन्वर्ट करते हैं. सो जो ये डिस्टेंस आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये डिस्टेंस जो देखते हैं ये बिल्कुल उसका सेंटर पॉइंट होता है. और इस प्रकार से ये लेंथ जो कहलाती है, ये कंप्लीट लेंथ होती है ट्रांसवर्स लेंथ. सो हम इसको कंप्लीट ट्रांसवर्स लेंथ बोलते हैं. अब देखिए हम इसका ज्योमेट्री कैसे ड्रॉ करते हैं. सो नाउ यू कैन सी दैट इज द सेंटर पॉइंट, दिस इज द सेंटर पॉइंट एंड दीज आर द टू कट्स. अब जब हम इसको ऐसा स्ट्रेच कर देंगे तो हमें कट मिल जाएगा. सो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल एक्सिस विच इज रिप्रेजेंट बाय द 2a. और जो ये लेंथ आप देख रहे हैं दैट इज द लेंथ, ये देखिए आपस में इक्वल होती है बोथ लेंथ, आप देख सकते हैं यहीं से हमने कट करा है इसको. सो दिस इज अ कंसिडर एज अ 2b. सो इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पे दैट इज अ कॉन्जुगेट एंड दैट इज द ट्रांसवर्सल. और उस कंडीशन में आप देखेंगे सो 2a जो होगा वो ग्रेटर होगा 2b से. सो 2 से 2 अगर हम कैंसिल कर दें, ए जो ग्रेटर होगा वो बी से होगा, दैट इज द फर्स्ट केस. अब हम एक काम करते हैं, इसी को अगर हम सपोज और पास से कट करते हैं, इफ आई टेक दिस टाइप ऑफ हाइपरबोला, सो आप देख सकते हैं मुझे बहुत बड़ा हाइपरबोला मिलता लाइक दिस, कुछ ऐसा. और अगर हम इसका ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं तो देखिए हम इसका ज्योमेट्री यहीं ड्रॉ करते हैं तो आप देखेंगे ये इस बार थोड़ा सा बड़ा कर्व मिलेगा. सो यू कैन सी दैट इज द सेकेंड कर्व. सो अगेन दिस टाइम यू कैन सी दैट द लेंथ ऑफ 2b विल बी इंक्रीज एंड लेंथ ऑफ 2a विल बी डिक्रीज. आप ये दोनों ज्योमेट्री से समझ सकते हैं. तो इस प्रकार अगर हम सेकेंड केस देखते और सेकेंड केस अगर हम मान के चलें कि 2a 1 है और ये 2b 1 है, तो उस कंडीशन में मान लेते हैं कि अभी a ग्रेटर है और b स्मॉलर है. बट देखिए एक समय ऐसा आता है व्हेन यू ओ क्लोजर टू द एक्सिस ऑफ कोनिक, जितना पास जाएंगे, एक कटोर लगा लेते हैं, तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि जो आपको कर्व मिलता है उसमें ए और बी का लेंथ आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है. तो इस प्रकार से आप देखेंगे दिस कॉन्जुगेट एंड दिस ट्रांसवर्सल बोथ आर इक्वल. सो उस कंडीशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिलेगा 2a किसके बराबर हो गया 2b के. और इस प्रकार से जो ये हाइपरबोला होता है दैट इज कॉल्ड द रेक्टेंगल हाइपरबोला. अब रेक्टेंगल हाइपरबोला के अंदर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. हाइपरबोला का इक्वेशन हॉरिजॉन्टल का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब ट्रांसवर्सल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. बट हम जानते हैं जब ए और बी आपस में क्या हो जाए इक्वल, सो सच काइंड ऑफ द हाइपरबोला इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड द रेक्टेंगल हाइपरबोला. सो दिस माइनस दिस इक्वल्स टू ये ए कंसिडर हो जाएगा. और इस प्रकार से देखेंगे आप तो यहाँ पे जो ये हाइपरबोला हमको मिलेगा, सो इसका जो ये b का लेंथ होगा और इसका जो a का लेंथ होगा, ये लेंथ और ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल होगा. और इस प्रकार से आप जो देखते हैं इस हाइपरबोला को ही हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द रेक्टेंगल हाइपरबोला. और इसके जो डायगोनल्स होते हैं ये इसका असिम्प्टोट होते हैं. सो इस प्रकार से इसका एक ज्योमेट्री ड्रॉ होता है. सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रेक्टेंगल हाइपरबोला. उस समय हम देखेंगे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. और जहाँ पे ए किसके बराबर होगा बी के, तो हम इसको फिर आप ए कंसिडर कर सकते हैं. सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ हाइपरबोला. अगर ये ज्योमेट्री हमें वर्टिकल फेज में मिलेगी तो देखिए वर्टिकल फेज में भी यही हो जाएगा. उस कंडीशन में इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर विथ माइनस साइन एंड वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर विथ प्लस साइन. सो दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ रेक्टेंगल हाइपरबोला.